विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, और जैसा कि भाजपा चौथी बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं ऐसे कई दल भी हैं जो इस समीकरण को बिगाड़ने के लिए चुनाव मैदान पर उतर चुके हैं। आज हमारे साथ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरफराज खान जी और संभागीय अध्यक्ष संजय वसानी जी। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव मैदान पर? सबसे पहले तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री हीरा सिंह मड़काम जी, उनका सबसे पहला मुद्दा यह है कि मानव सेवा, मानव धर्म और मानव मानव एक समान, जो उनका मेन मूल मंत्र है। और उसके बाद जो दूसरा उनका है कि जल जंगल जमीन, जो कि उनके समाज से बिलोंग करता है, जो भी आदिवासी समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए उनका जो संघर्ष है कई सालों का, वो इस पार्टी में दिखता है। और उनके जल जंगल जमीन को के लिए बचाने के लिए प्लस मानव सेवा के लिए उनका जो सिद्धांत है, एक राजनीतिक पार्टी को जरूर वो लीड कर रहे हैं, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत उनके ये सारे विचार जो हैं, वो विचार से मैं बड़ा प्रेरित हूँ। और उस विचारधारा को लेते ही वो लीडरशिप में भी आ रहे हैं कि सब समान, सब जातियों को, जैसा कि आजकल चुनाव में चल रहा है कि जातिवादीकरण चल रहा है, कि कोई अलग बात करता है, कोई सपाक्स बना देता है, तो कोई आरक्षण विरोधी पार्टी बना देता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इन सब विचारधाराओं से दूर होके एक सामूहिक विचारधारा, एक प्रगति की विचारधारा, एक प्रकृतिवाद की विचारधारा के साथ हमारी पार्टी का कई संदेश हैं। और उसी विचारधारा के अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अंदर जो भी पिछड़ा समुदाय है, जो भी पिछड़े लोग हैं, और कई ऐसे लीडर हैं जो नेतृत्व की उनके अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उन्हें दे रही है और आगे करने के लिए सोच रही है, तो उस विचारधारा के अंदर कई लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो हम, जो वर्तमान सरकार है उससे अभी भी, लेकिन आदिवासी समाज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आदिवासी समाज भी सर, जैसे क्या होता है कि आदिवासी समाज, पहली बात तो ये कि बंटवारे की जो राजनीति है, जैसे 47 सीट रिजर्व है ना, 230 सीटों में 47 सीट रिजर्व, तो पहले ही बता दिया जाता है कि भैया आप रिजर्व हो, आप अलग हो, आप इन लोगों से बिल्कुल अलग हो। पहली बात तो ये अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने अलग कर लिया है तो आप ये मानते हो कि वो कमजोर है, वो पीढ़ी कमजोर है। अगर वो कमजोर है तो उन्हें मदद देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उस समुदाय को आगे लेके आना चाहिए, लेकिन उनको भी सेम वही वोट बैंक के द्वारा उपयोग करके, जिस समय चुनाव आता है उस समय उन्हें वोट बैंक समझा जाता है, और चुनाव के बाद उनकी उपेक्षा करके जिसको जो देना है उसे देके, और अपने जो उनका कल्चर है, जो उनके नियम है पार्टी के, जो भी पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो पार्टी अपने अपने नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती है और फिर उन्हें भूल जाती है। फिर अगले 5 साल बाद हम याद आते हैं कि नहीं, 47 सीटों पे हम लोग हैं, रिजर्व सीटें हैं भैया, 47 सीटें उस पर हम लोग हैं। सरफराज जी, जैसा कि गोंडवाना पार्टी को अभी तक आदिवासियों की पार्टी माना जाता था, और पार्टी ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, और कांग्रेस और बीजेपी हमेशा मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है, ऐसे हालात में आप अपने समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देते हैं? सर, सीधी सी बात है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सेकुलर पार्टी, आपको बता दें सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को, अल्पसंख्यकों को भारी मतों से आगे बढ़ाया, और देख रहा हूँ मैं कि उन्होंने हमें विधानसभा की टिकट का भी प्रभाव दिया कि बोला यहाँ से इस तरह से काम किया जाए, और हमारे अल्पसंख्यक कैंडिडेटों को टिकट दियो। मैं अपने समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि वो थर्ड पर्सन के आगे आएँ, थर्ड पर्सन का सपोर्ट करें जब कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज तक दूसरों ने हम लोगों को वोट बैंक की तरह से यूज़ किया है, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, दीगर कितनी पार्टी हो, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सहयोग करना चाहिए। संजय जी, आप को लगता है कि आपकी पार्टी तीसरा विकल्प बनकर इस विधानसभा चुनाव में उतरेगी, और किन किन बड़े चेहरों को आपकी पार्टी मौका दे रही है? सर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़ी पार्टी है, चूँकि अब ये इनका जो संकल्प था, 1991 में ये पार्टी बनी थी, और दादा हीरा सिंह मड़काम तब अकेले चले थे इस पार्टी को लेके, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कारवा बनता गया, तो उस समय पर जब भी कोई पार्टी बनती है तो उसकी कोर कमेटी जो लोग होते हैं वो उसके सामाजिक और आसपास के लोग होते हैं। अब चूंकि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग के समय पे गोंड और आदिवासी इनके साथ जुड़े,
क्योंकि वही इनका साथ दे सकते थे उस वक्त, इनकी इनकी चीज़ों को समझ सकते थे, इनकी विचारधारा को समझ सकते थे। धीरे 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 जब ये बात आगे बढ़ी, आज 91 से लेकर आज इतने साल हो चुके हैं, तो उनकी विचारधारा एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तब तक जा रही है। और जब जैसे ही वो समझ रहे हैं तो वो उस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, उस पार्टी की विचारधारा के साथ जा रहे हैं। अभी अगर मैं मध्य प्रदेश से बात करूं तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाता, लेकिन मैं अभी जबलपुर संभाग की बात करूं, क्योंकि मैं जबलपुर संभाग का अध्यक्ष हूं, तो मेरे पास किसी दूसरे संभाग की टिप्पणी देने का अधिकार नहीं है। तो मैं जबलपुर से अगर बात करता हूं, तो जबलपुर में एक हमारे बहुत ही नामी मंत्री होते थे, पंडित ओमकार महाराज जी। आज मैं भी उनको रिस्पेक्ट के बोलता हूं, बिकॉज लीडरशिप में उनका काफ़ी नाम था। आज उनके भांजे हैं पंडित वीरेंद्र दुबे, जिन्हें वीरू महाराज के नाम से जाना जाता है, सहजपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी पार्टी से कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक हमारी पार्टी का एक बड़ा नाम है। और दूसरे अगर अपन देखा जाए तो अभी वर्तमान में आज ही, आज के समय पे, आज श्रीमान नन्हे सिंह धुर्वे, जो कि कांग्रेस से दो बार विधायक रहे हैं कुंडम विधानसभा से, नन्हे सिंह धुर्वे जी के बेटे आज कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ गुड़वाना पतन पार्टी ज्वाइन हुए हैं, और हम लोगों ने सिहोरा विधानसभा की सीट उनकी नियुक्त की है, जो कि कल उनको एबी फॉर्म दे दिया जाएगा। तो ऐसे कई चेहरे हैं सर, जो मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने दो तीन नाम आपको बताए हैं। और पश्चिम से बात करते हैं तो पश्चिम विधानसभा से आज तक पश्चिम विधानसभा का ये नियम रहा है कि कितने भी वोट हो, है ना, लेकिन किसी भी मुस्लिम चेहरे को आज तक कोई जगह नहीं दी गई। तो आज हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने और पार्टी की विचारधारा ने उस विधानसभा से एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। उत्तर मध्य में कई मुस्लिम मतदाता हैं, अगर आप मतदाता की चयन करेंगे तो वहाँ से भी श्री सखावत खान जी हैं, उनको उतारा गया है। तो ऐसे कई चेहरे हैं सर, और कई लोग भी अभी, ऐसा कई लोगों का नाम अभी चल रहा है जो अच्छे चेहरे हैं, जो हमारी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोग को सुनने मिलेगा। पर आज का, आज की बात करूं तो आज एक बड़ा चेहरा नन्हे सिंह धुर्वे, जो कांग्रेस से दो बार विधायक रहे हैं कुंडम विधानसभा, उनके बेटे आज महेंद्र सिंह धुर्वे आज ज्वाइन हुए हैं, और वो कल सिहोरा विधानसभा से एबी फॉर्म से कर लेंगे और 8 या 9 तारीख को अपना नामांकन भर देंगे। संजय जी, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद किस पार्टी को आपकी पार्टी समर्थन देगी? सर ये एक बड़ा वो सवाल है, लेकिन इस पार्टी, इसके लिए मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी को हिस्सेदारी कितनी दी जाती है, एक पहला तो सवाल ये भी रहेगा उस सवाल के साथ, और दूसरा कि हमारे वोट बैंक के आधार पर या हमारी तैयारी के आधार पर हमारी सीटें कितनी आती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी सीटें 10 आती हैं या 15 आती हैं या 20 आती हैं, तो उस आधार पर, क्योंकि इस बार समीकरण ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ऐसा कह दे कि नहीं हम अपनी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो कहीं ना कहीं गलत विचारधारा के साथ जा रहा है। क्योंकि इस बार चुनाव जो है वो व्यक्ति विशेष पर है, पार्टी पर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति और जनता सब समझ चुके हैं कि पार्टी को वोट नहीं देना है, व्यक्ति को वोट देना है। तो कई जगह पर व्यक्ति जीतेगा, कई जगह पर हो सकता है पार्टी जीते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम उसके साथ ही जाएंगे जो हमारी विचारधाराओं को, गोडवाना की विचारधाराओं को समझेगा, और गोडवाना के जितने भी विधायक जीत के आते हैं तो उनको हिस्सेदारी कितनी देता है। अगर 10 विधायक हैं तो अगर वो हमें अपनी पार्टी में शामिल करता है, हम उससे, हमसे सपोर्ट मांगता है, उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है, तो हमारे कितने मंत्री वो बनाएंगे, क्या विभाग देंगे उनको, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे मूलभूत जो हम लोग की ड्यूटीज हैं और जो वैल्यूज हैं, उस पर कितना विचार करेगा। कुल मिला के हमारी पार्टी की विचारधारा पर जो व्यक्ति, जो पार्टी ज़्यादा सोचेगी, जो समर्थन देगी, हम उसके साथ जाएंगे। दर्शकों, इस समय हमारे साथ गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जबलपुर के कैंट विधानसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र तिवारी वीरू महाराज भी हमारे साथ हैं, जो कि अपने कैंट की जनता के लिए कई विकास कार्य कराने का दावा कर रहे हैं और पूरी उम्मीदों के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। वीरू जी, बताएं आप कि किन सपनों को पूरा करने का आपने जनता से वादा किया और किस तरह पूरा करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मामा पंडित ओंकार तिवारी, जिनका नाम 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे अनिल तिवारी, उनको आज तक उनको अपना स्थान उनको नहीं मिला। आज हमें विश्वास सूत्रों से पता चला है कि उनने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ऐसा हमें सुनने में मिला। धीरज पटेरिया का भी मैंने पेपर में पढ़ा था, उनने भी इस्तीफा दे दिया। तो गणतंत्र पार्टी एक नई पार्टी के रूप में उभर के आ रही है, और गणतंत्र पार्टी तीसरा विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है जनता, कांग्रेस को नकार रही है। आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि मध्य 3 बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनने पूरे मध्य प्रदेश की नाश की,
पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। अभी परिणाम आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें इस्तीफा दे दिया। और रही बात कैंट की, तो ऐसा नहीं है, मेरे को विश्वास वहाँ की जनता मेरे को जताएगी, इसलिए जताएगी कि वहाँ की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन गरीब लोगों को नहीं मिल रही है, मेरे को मालूम है, उनको मैं वो सुविधाएं दिलाऊंगा। विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं चुनाव जीत के बताऊंगा, मेरा ऐसा दावा है, क्योंकि मेरी पार्टी के जो प्रमुख दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो हैं, वे हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। उनके कारण आज हमें पार्टी छोड़ना पड़ी, हमें गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन करना पड़ी, और आज गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के लिए जो भी करना पड़ेगा करके दिखाऊंगा, करूंगा और करता रहूंगा। दर्शकों, इस समय हमारे साथ पश्चिम विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए मोहम्मद वसीम अंसारी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है युवा चेहरे के रूप में, और वो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे टिकट दी है जिस भरोसे के साथ और युवाओं चेहरे के साथ, तो वैसा ही मैं क्षेत्र का विकास करना चाहूँगा और बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा और लोगों का भरोसा जीतूंगा और जो वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा। दर्शकों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उत्तर मध्य विधानसभा से, जहां जो कि जातिगत समीकरण के लिए मानी जाती है, वहां से शेखावत खान जी को प्रत्याशी बनाया है, और इस समय शेखावत जी हमारे साथ हैं। आपको पार्टी ने मौका दिया है और आप क्या मानते हैं, चूंकि बहुत ही जातिगत समीकरण सीट मानी जाती है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को वो टिकट नहीं देती, एक बार दी उसके बाद मौका ही नहीं दी दोबारा। जो कि आप जानते हैं कि 55,000 ब्राह्मण वोट हैं हमारे भाई लोगों के और 45,000 मुस्लिम वोटर हैं उधर पे। जे दो लोग चाहेंगे तो हम विधायक बन सकते हैं, हमारे भाई लोग चाह रहे तो। और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे मौका दिया है, ना आज तक बीजेपी ने मुसलमान को मौका दिया ना कांग्रेस ने मौका दिया, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि एक बार आप आगे आओ। और मैं जिले का युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष था, तो इस पार्टी ने मुझे मौका दिया कि कोई पार्टी तुम्हें मौका नहीं दी कि मैं तुम्हें मौका दूंगा, और उस पार्टी के लिए हम काम करते हैं और लगे भी रहेंगे चुनाव के बाद। हार जीत तो अपनी जगह है, मगर हम लगे रहेंगे चुनाव में। दर्शकों, इस समय जैसा कि आपने देखा हमारे खास प्रोग्राम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष संजय वसानी जी ने समय दिया, और जैसा कि इनकी जो उम्मीदें हैं और जो इन्होंने बताया कि किस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आने की पूरी तैयारी में है, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग को इतना सम्मान दिया, स्टूडियो में बुलाया और इतना सम्मान देके हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। कम से कम एक आप लोग का एक माध्यम है ना, आप ऐसा सूचना तंत्र है कि लोगों के पास तुरंत पहुंचता है।